स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, दिमाहासाओ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जयंती का पालन और डीसीसी माइनॉरिटी सेल द्वारा 500 करोड़ की स्टूडेंट स्कॉलरशिप घोटाले के विषय में एक मेमोरेंडम। आज दिमाहासाओ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हाफलोंग स्थित राजीव भवन में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन का पालन किया। इस अनुष्ठान के दौरान गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माला एवं पुष्पांजलि अर्पण किया। आज के अनुष्ठान में हाफलोंग के मेंबर ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल डैनियल अम्बुसा, माइनॉरिटी सेल का साधारण संपादक विजय चरण, डीसीसी हाफलोंग का वरिष्ठ नेता कलिजय सिंह एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। इधर डीसीसी माइनॉरिटी सेल द्वारा विजय चरण का अगुवाई पर 500 करोड़ की स्टूडेंट स्कॉलरशिप घोटाले का उल्लेख करते हुए और इस विषय की जांच के लिए जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को एक मेमोरेंडम सौंपी। हमारे एपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेक्स्ट में मैं अनुरोध करूंगा हमारे पास्टर मरणी से। इसलिए जो हम लोग का एपीसीसी
माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तरफ से स्ट्रॉन्गली कॉन्टेक्ट करता हूँ कि देवला दलो साहब जो बात बोला वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहा अभी तो ऐसा आदमी बोलने से सुबह नहीं लेता है बट कम्युनल क्लेश करेगा। इसलिए हम लोग एपीसीसी माइनॉरिटी तरफ से हमको बोला ये बात बता देना कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में सब लोग रहेगा, हिंदू भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा और सब संप्रदाय एक साथ रहेगा, आज प्रेत कम्युनल सब एक ही साथ रहेगा। ये बात बताने के लिए हमको भेजा है। आज तो गांधी जयंती है, आप लोग सब मालूम है, मेरा रेस्पेक्टेड भैया ने बोला है सब गांधी का लीडर राहुल गांधी जी को कैसा व्यवहार किया। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा व्यवहार करने से तो हम क्या है, हम तो कुछ नहीं। जो आदमी लोग रेप किया वो आदमी लोग को एक्शन करना चाहिए, एक्शन दिलाना चाहिए, लेकिन जो लोग वो खबर करने के लिए गया वो आदमी लोग को ही उन लोग ऐसा मिसबिहेव किया, धक्का मारा और बहुत बुरा तरह से काम, बहुत कुछ बहुत आदमी लोग घायल हुआ, बहुत मोदी राज जंगल राज से। अभी यूपी में ऐसा है आदमी लोग कुछ राइट नहीं है, ना डेमोक्रेसी राइट है, ना स्पीच कुछ राइट है, कुछ नहीं है। जो की बोलेगा वही है कानून। इंडिया ऐसा हालत है, इसलिए आप लोग को मेरा अनुरोध, हम लोग इंदौर से जाएगा डीसी ऑफिस तक, हम लोग आज मेमोरेंडम लेगा, क्योंकि हम लोग का जो फान माइनॉरिटी का क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और मुस्लिम के लिए जो स्टूडेंट का फान 500 करोड़ स्कैम हुआ, इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर बोलता है, नरेंद्र मोदी बोलता है करप्शन जीरो टॉलरेंस, कहा जीरो टॉलरेंस। आसाम में इतना करप्शन हो रहा है, करप्शन नहीं होने से हम लोग का जो जितना स्कीम है वो स्कीम तो हम लोग मिलता रहा, लेकिन आज मिलता ही नहीं आते। और टीवी देखा हुआ आप लोग, अभी ऐसा है जो पुलिस का नौकरी के लिए जो करप्शन हुआ, स्कैम हुआ, जब बहुत नाम का भी करता है नरेंद्र मोदी। थोड़ा आगे में श्रद्धांजलि देते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को, थोड़ा आगे में श्रद्धांजलि दिया, अभी हम फिर चेक करा। लाल बहादुर शास्त्री किसे आदमी रहा, लाल बहादुर शास्त्री क्या बात से कोई पोजिशन में पहुंचा प्राइम मिनिस्टर में, छोटा मोटा आदमी रहा लाल बहादुर शास्त्री, गांधीयन रहा है जब उठो मिनिस्टर पोस्ट भी डाले, कोई मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को अंदर में, तो उस टाइम में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ रहा। ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री यूनियन मिनिस्टर होकर, रेलवे मिनिस्टर होकर तो रिजाइन कर लिया अपना पोस्ट से। आज का दिन में ये सब कोई सोच ही नहीं सकता, तब तो दिन में भी जो छोटा बात नहीं ना कि हमारा मिनिस्ट्री में कुछ एक प्रॉब्लम हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम रिजाइन कर देगा, लेकिन वो तो कारा ऐसे कारा हो कि जवाहरलाल नेहरू को माइंड में भी और जो इंडिया का पब्लिक में भी उसको इज्जत और बार गया। इवन तो मुझे खुद रिजाइन करा, लेकिन बाद में उसको फिर मिनिस्ट्री में लिया और जवाहरलाल नेहरू इतना विश्वास हो गया उसको, बाद में उसको नेक्स्ट में उठी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा बोल के बोल दिया। लेकिन आज के दिन में नरेंद्र मोदी का अंदर में अभी देखो फेलियर हो गया, हम लोग COVID-19 हम लोग को जो मैनेजमेंट है इंडिया का फेलियर हो गया, नंबर टू में है अभी इंडिया हाईएस्ट में, और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप लोग देखो नंबर वन में होगा, यूएस को क्रॉस करेगा हम लोग, फेलियर। लेकिन क्या अपना पोजिशन से रिजाइन करेगा, नहीं करेगा, रिजाइन को दूर के बाद मानता भी नहीं कि कुछ तो हम लोग को भी गलती हुआ बोल। लेकिन COVID-19 का टाइम में नेदरलैंड जैसे देश में वहां का मेडिकल जो हेल्थ मिनिस्टर रहा,
20,000 केस हुआ बोला इंडिया में कितना अभी 63 लाख 20,000 केस होने में जो बोला हमारा फेलियर है रिजाइन कर दिया गया और जो रूलिंग पार्टी रहा वो क्या करा अभी हम सब एक साथ होने लगता बोलिए जो ऑपोजिशन का एक आदमी रहा जो आगे में कोई लोग पावर में होने में आगे में तो हेल्थ मिनिस्टर रहा उसको लेके आया बोला कि तुम ऑपोजिशन होने सकता है आप भी आगे में हेल्थ मिनिस्टर रहा अभी सबको हम लोग को मदद लगता है आप आओ एक साथ मिलकर हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री तो चलाएगा क्योंकि पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचा सच के बारे में ज्यादा सोचा सच्चाई क्या है वो तो जानता है लेके आओ मतलब हम लोग अभी सच्चाई नहीं हम लोग झूठ के ऊपर झूठ जाते हैं थोड़ा आगे दिन में अभी जो स्कैम करा ऐसा को जो अभी स्कैम करा हिमंत विश्व शर्मा क्या बोला नहीं तो बीजेपी का आदमी नहीं है अभी खुद इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो गया अभी बीजेपी से उसको पार्टी से निकाल दिया बोलो तो हिमंत विश्व शर्मा भी झूठ बोला लेकिन क्या तू रिजाइन करेगा अपना पोस्ट से नहीं करेगा रिजाइन करेगा कल में तीजो सदारी का माइकोम में आया चेक करने के लिए कि हम लोग कोविड का सिचुएशन क्या होती है लेकिन जब कितना महीना आगे में सर्वानंद सोनोवाल आया चेक करने के लिए तो बोला कि हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में पास्ट रूम देगा आईसीयू बनाएगा वेंटिलेटर लगाएगा आज तक लगाया आदमी मर गया दिमाग में आदमी मर गया कोविड-19 से कोरोना से जो कसम दिया था कि पास्ट आईसीयू बनाएगा अभी तक नहीं बनाया तो काम में माइकों में आएगी पीयूष हजारिका क्या मीटिंग था हफलों को जो वादा दिया हिमंत विश्व शर्मा और सर्वानंद वो तो पूरा करने नहीं सका अभी तो झूठ बोला और पीयूष हजारिका माइकों में आएगी काल में देवोलाल गोपालसा को घर में उसको वाइफ के साथ में एनिवर्सरी मनाई गई है सच बात क्या है हम लोग उनको हिमाचल को एटीएम बनाता है और यहाँ पे मिनिस्टर आके पैसा लेके चल जाता अभी ये सच बात बोलने के लिए हमको हम लोग ऊपर में जो करने लगता करो लेकिन अभी आप लोगों की सोशल लाइफ आज के दिन में क्यों क्योंकि काल में देखो राहुल गांधी के साथ में क्या हुआ रेप हुआ रेप इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करने आगे में पुलिस रुकुल यूपी का चुपचाप से जलाई दिया डेड बॉडी को और आज जब इतना हल्ला हो गया जब आदमी लोग को जाएगी जस्टिस मांगने के लिए यूपी में घुसता तो सब अरेस्ट कर देता अभी थोड़ा आगे में जिसकी विजय जी ने बोला कि राहुल गांधी को अगर हाथ ऐसे कर ले सकता तो हम लोग क्या है हम लोग कॉमन आदमी है इन चीज से हम लोग उल्टा डरने नहीं है अभी ऐसा नहीं डरना है कि हाँ राहुल गांधी को होंगे तो हम लोग यहाँ में काल कर देगा हम लोग को भी ऊपर बैठ कर देगा नहीं उल्टा करना है अभी आज के दिन में अगर हम लोग अभी आने वाला दिन में भी ये करप्ट और ये कॉमनल जो लीडरशिप है और जो पार्टी है अभी बीजेपी उसको हटाना है तो हम लोग ग्राउंड में नाम की लगने से जेल में घुसने होने से भी हम लोग जाने लगेगा और ना हिम्मत करने लगेगा हम लोग हिम्मत नहीं होने से नहीं होगा अगर आपको कोई आगे में खड़ा होने लगता तो हम तो रेडी है खड़ा होने के लिए हम रेडी है जेल में डालो जो भी करो हम रेडी है हम जिस दिन फर्स्ट दिन हम कांग्रेस ज्वाइन करा हम उस दिन बोला था हम अभी भी याद है कि हम आया है नीतू लाभासा को बेटा है वो अपना आदमी के लिए गोली खाया है हम आया है लगने से हमको गोली खाने से भी कोई दूसरा हम निकाल जाएगा फ्यूचर में लेकिन कोई बुरा बात नहीं है लेकिन आज के दिन में जो गुंडा राज चलते है उनको बंद करने के लिए तो हिम्मत करने लगेगा हम लोग खाली एक तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ में फाइट नहीं करते है हम लोग गुंडा के बीच में मर्डरर के साथ में इन लोगों के साथ में हम लोग ला रखते हैं तो उन लोगों क्या जो आदमी को मारने सकता है उन लोग क्या सोचेगा दो सेकेंड आपको स्कीम नहीं देने में नौकरी नहीं देने में ट्रांसफर करते में ये सब बहुत छोटा बात है बहुत छोटा बात है ये सब आदमी को मार नहीं सकता है इन लोगों इसलिए हम लोगों फाइट करेगा तो आप लोगों रेडी हो अभी टाइम आएगी अगर निकले सच बात बोलने करवा होता है और आज खत्म करेगा अभी हम लेकिन फिर से एक तो सच बात भी बोलेगा हम लोग का फाइट
जो सच है उसको ले तो जारी रहेगा और आप लोग भी करते रहो सोसाइटी में। हम सब हम लोग को जितना कांग्रेस वर्कर को हम रिक्वेस्ट करता है, जो जगह को भी हो, जो पोजीशन को भी हो, कोई नौकरी करने वाला हो, कोई बिजनेस करने वाला हो, कोई कम्युनिटी लीडर, कोई चर्च मंदिर सब रिलीजियस मैटर्स में ज्यादा घुसने वाला होने सकता, जो भी आपका पोजीशन है, लेकिन पहले अपना पोजीशन हम लोग सब ठीक करो। अपना लाइफ में जितना आज तक हुआ है हो गया है, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग सीधा रास्ता हम लोग छोड़ने लगेगा। बीजेपी बोलने तो करप्शन फ्री, करप्शन फ्री हम लोग को होने लगेगा, हम लोग होने लगेगा। बीजेपी जितना भी बोलो, लेकिन हम लोग करने लगेगा, हम लोग दिखाने लगेगा। आज ऐसे नहीं मांगता कल परसों कि कांग्रेस फिर पावर में आया और हम लोग ऊपर उंगली उठेगा कि इटू लीडर भी फिर से करप्शन करा, इटू लीडर भी फिर अपना आदमी को नौकरी दिया, अपना फैमिली को ही चलाया, पार्टी को भूल गया, पब्लिक को भूल गया। ऐसे होने डिमा हासाव हाफलंग डिसी बागक गृह सम्मुख आम आज डिमा हासाव माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तरफों पर प्रतिबाद सब्यस्त करिसु, कारण অসমত এনেকা এটা সংগঠিত হৈছে 500 কোটি ক্ৰোৰ। আজি অসম চৰকাৰে ছাত্ৰসকলৰ বৃত্তি যেটো নেকি মাইনৰিটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যেটো বৃত্তি যেটো টকা ইমান বিয়াগুম কেলেংকাৰী হৈছে, সেইটোৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যে অসম চৰকাৰে এইটো অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত কৰিব লাগে, আৰু যদিহে CBI তদন্তৰ কাৰণে যদি অৰ্ডাৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। অসম মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসমত আমি সকলো উঠি পৰি আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিম, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম, আৰু যোনে কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰা হৈছে তাক অতি শীঘ্ৰে কৰেক্ট কৰিব লাগে, উচিত শাস্তি দিব লাগে। আমি মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট তরফৰ পৰা আমি ডিমা হাসাও তথা কার্বি আংলং তথা অসম সমগ্র আমি মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট তরফৰ পৰা আমি এটো প্রতিবাদ কৰিছো আৰু আমি দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত কৰিব লাগে। এইটো মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টত প্ৰত্যেক বছৰত স্কলারশিপ এইটো বৃত্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৃত্তি এইটো আবণ্টিত হয় চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰৰ পৰা। অসমত হাজাৰ হাজাৰ কোটি প্ৰত্যেক বছৰত আহে, এই হাজাৰ কোটিত মানে ইতিমধ্যে 500 কোটি কেলেংকাৰী হৈছে। এইটো মানে আমাৰ তদন্ত বা আমাৰ ভিত্তিয়ে এইটো ইতিমধ্যে কেলেংকাৰী হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে আমাৰ দাবী মনা নাই। আমি CBI তদন্তৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, CBI তদন্তৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছিলোঁ, সেই দাবীটো এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে গা লৰা নাই। গতিকে সেইটো কাৰণে অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত কৰিব লাগে। উত্তৰ প্ৰদেশত যিটো নেকি গেংৰেপ হৈ এজনী ছাত্ৰী অন্যায়ভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, তাত আমাৰ নেতা, আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তাত খবৰ এটা ল'বলৈ কাৰণে UP ধুমাব বিচাৰিছিলে। তাত UP চৰকাৰ তথা যোগী চৰকাৰ, UP পুলিচে তাত ইমান দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত, সেইটো আমি অসমৰ মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, কণ্ডেম কৰিছোঁ। আৰু যদি আমাৰ ভাৰতত যদি আমাৰ বাক স্বাধীনতা যদি কাঢ়ে, আমাৰ যদি অধিকাৰবিলাক যদি মানে খৰ্ব কৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু আমাৰ এটি ভয়ংকৰ দিন আহি আছে, যিটো নেকি
এটা অন্যায়ভাৱে ড্ৰেপ কৰিছিলে, ধৰ্ষণ কৰিছিলে। সেই ধৰ্ষণকাৰীসকলক শাস্তি নিদি যিবিলাক নেকি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে, যি নেকি খবৰ ল'বৰ কাৰণে গৈছিলে, সেইসকলকে মানে উল্টাকৈ ইউ পি গভৰ্ণমেণ্ট তথা ইউ পি পুলিচে অন্যায়ভাৱে এইটো ৰাহুল গান্ধীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেইটো আমি কঠোৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু কঠোৰভাৱে মানে তেখেতক আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এক যে বৰা ইছ্যু হে যে আমি আপোনালোকক মালুম হয় আসাম মে এছ আই কা যে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱা উচমে ইতনা বৰা যে স্কেম হোৱা হে উচকে বাৰে মে আমলোকো একদম বিৰোধ কৰতা হে ডিমা হাসাও কংগ্ৰেছ। আৰু ইয়ে আজ মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট ডি চি চি কা ইয়ে প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কিয়া হে, ইয়ে মেমৰেণ্ডম সাবমিট কিয়া হে টু সর্বানন্দ সোনোয়াল জো হ্যাঁ হাম লোক চিফ মিনিস্টার হাম লোক মানতা হ্যাঁ কি ও আবি রিজাইন করো উসকো পোস্ট সে কিউকি উসকা আন্ডার মে ইতনা বড়া স্ক্যাম হুয়া হে। দেখো ইয়ে জো রিক্রুটমেন্ট হে থোড়া দিন পেলে ইসকা জো স্ক্যাম নিকলা, লেকিন বিজেপি কা লিডার্স লোক জেসে কি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নে ভি পেলে ডিনাই কিয়া বোলা কি ইসকা পিছে মে জো লোক হে ও মতলব বিজেপি কা আদমি নেই হে, লেকিন আবি মিডিয়া কা প্রেসার সে পাবলিক কা প্রেসার সে আলটিমেটলি সাচ বাত নিকল গিয়া। और अभी बीजेपी का एक लीडर खुद मतलब ये स्कैम का बहुत बड़ा एक तो मास्टरमाइंड निकला और अभी उसको पार्टी से निकाल दिया बोला, लेकिन उसको तो एक स्केपगोट जो बोलता है उसको बना दिया हो सकता है। कितना लोग और उसमें इन्वॉल्व होगा, बड़ा बड़ा बीजेपी लीडरशिप कितना इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सब बड़ा छोटा नेता उसके साथ दिखाई गया है, आगे में मीडिया में भी दिखाई गया है। तो अभी हम लोग डिमांड करता है कि सर्बानंद सोनोवाल आज के दिन में रिज़ाइन करो, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি ভি রিজাইন করো, কিউকি ওলো করপশন ফ্রি করেগা বলতা হে বিজেপি সরকার কা আন্দর, লেকিন আবি দেখতা হে তো সব জায়গা করপশন হি করপশন। আজ কে দিন মে অর হাম ইয়াদ করনা চাহতা হে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাম লোগো পেহলে কা প্রাইম মিনিস্টার জো থা, আজ উসকা জন্মদিন হে। ও এসা আদমি থা জো মতলব রেলওয়ে মিনিস্টার জব থা, এক ট্রেন এক্সিডেন্ট হুয়া ও রিজাইন কর দিয়া। এসা বড়া লিডার হাম লোগো দেশ মে তব কংগ্রেস কা টাইম মে হুয়া করতা থা, लेकिन आज का दिन देखो महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को मतलब श्रद्धांजलि मतलब और ट्रिब्यूट देता है हम लोग का, नरेंद्र मोदी बोलो सर्बानंद सोनोवाल जी बोलो, लेकिन नाम में वो लोग ट्रिब्यूट देता है लेकिन उन लोगों का जैसे काम नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग डिमांड करता है कि वो लोग रिज़ाइन करो और जो जो अच्छा से इंक्वायरी करके सीबीआई इंक्वायरी करके हम लोग रूट में जाके जितना टॉप लीडर्स लोग है इसमें इन्वॉल्व है ये स्कैम में वो लोग को मतलब सज़ा मिलना चाहिए। और एक बात से हम ख़त्म करेगा कि हम लोग का डिमा हासाओ का सीएम देवोलाल गोलरासा जी ने बीच में क्या बोला था कि करप्शन फ्री करेगा डिमा हासाओ में, कांग्रेस फ्री करेगा और मुस्लिम फ्री करेगा, तो वो बात बोलने वाला सच तो है। अभी मतलब करप्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब फ्रीली करप्शन करो, जो भी फ्रीली करप्शन कर सकता है, मतलब इतना करप्शन कभी हुआ ही नहीं मतलब आसाम में इंडिया में, मतलब ऐसा हो गया। कोविड के लिए फंड उठाता है लेकिन जब पूछता है कि सेशन में कि कहाँ में फंड यूज़ किया, कितना कलेक्ट किया, बोलता है कि हम लोग नहीं बोलेगा। पीएम केयर्स फंड के साथ भी ऐसा हुआ, हम लोगों डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हुआ, मतलब अभी करप्शन फ्री हो गया, जो भी करप्शन करने मांगता करो। फिर वो बोला कांग्रेस फ्री, ठीक बात बोला, अभी कांग्रेस के लिए काम करने के लिए और आने वाला इलेक्शन जीतने भी एकदम ईजी हो गया, फ्री हो गया, अभी हम लोग आराम से फ्रीली कांग्रेस काम करेगा क्योंकि पब्लिक भी अभी हम लोग के साथ में है। और लास्ट जो बोला मुस्लिम फ्री, तो एक्चुअली वो ठीक ही बोला कि मुस्लिम लोग को माइनॉरिटी मान के, इवन दो सबसे कम कम्युनिटी है मुस्लिम यहाँ में, मुस्लिम से ज़्यादा यहाँ में और सारा कम्युनिटीज़ है नॉन ट्राइबल में भी, लेकिन फिर भी वो लोग को ऐसा पूरा इंडिया में भी दबा के डरा के धमका के मार के ऐसा रखा। तो अभी वो एक्चुअली बोला मुस्लिम लोगों भी फ्रीली अभी मतलब दिल भरा होकर मतलब वोट भी करो और काम भी करो, हम लोग सब साथ में है, और इसलिए वो अच्छा बात बोला। तो आज हम लोग वही बोलता है कि आने वाला दिन अभी सबका अच्छा होने वाला है और सबका साथ सबका विकास जो बोला, तो हम लोग बार बार कांग्रेस यही कहना चाहता है कि सबका साथ तो हम लोग को नहीं सोचता है, लेकिन आप विकास आपका हाथ में है, पब्लिक का हाथ में है। आज के दिन में पब्लिक प्रेशर दिया बोल के ये सब स्कैम निकलते हैं, आने वाले दिन में भी पब्लिक लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, डिमा हासाओ में भी बहुत सारा स्कैम है, आसाम का भी और बहुत बड़ा स्कैम निकलने वाला है, आप लोगों भी हम लोग का साथ देते रहो, हम लोग भी आपका साथ में है। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।